नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक, जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू को अंजाम देते हुए नौशेरा इलाके में पाकिस्तान के पोस्ट और बंकर्स को नष्ट कर डाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान में चल रही आतंकी फैक्ट्री पर लगाम लगेगी? आज के हल्ला बोल में हम अपने खास मेहमानों से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एलओसी पर भारत का डायरेक्ट एक्शन। पाकिस्तान के खिलाफ फौज की सीधी कार्रवाई। नौशेरा में साजिश की चौकियों का नाश। पाक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेकाबू पाकिस्तान को भारतीय फौज ने सिखाया असली सबक। एक सर्जिकल स्ट्राइक से ही उड़ गए थे पाकिस्तान के होश, लेकिन फौज ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा डायरेक्ट एक्शन कर पाकिस्तान को बता दिया कि वो जितनी बार हमें छेड़ेगा उतनी बार उसे भुगतना होगा अंजाम। नौशेरा में लगातार उकसावे की फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पाक फौज की साजिश का भारत ने दिया जोरदार जवाब। फौज के इस डायरेक्ट एक्शन से उड़ गई पाकिस्तान की 10 चौकियां। देखिए कैसे पलक झपकते एक एक कर नेस्तोनाबूद हो गई पाकिस्तानी साजिश की वो चौकियां, जहां से बैठकर बेकसूरों पर गोला बारूद बरसाता है पाकिस्तान। भारतीय सेना के मुताबिक ये वीडियो 9 मई का है। 9 मई को नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी सरहद में बनी पाक की चौकियों पर भारतीय फौज ने बरसाए रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल। एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएनके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पुंछ में भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता के खिलाफ फौज ने पाकिस्तान से लिया बदला। हिंदुस्तानी फौज ने उसी वक्त यह ऐलान कर दिया था कि हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन वो वक्त और जगह हम खुद तय करेंगे। और आज सारी दुनिया के सामने हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें नापाक साजिश को नेस्तोनाबूद करने की जीती जागती मिसाल हैं और पाकिस्तान को ये संदेश भी कि देख लो ऐसे बदला लेती है हिंदुस्तानी फौज, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। सेना के मुताबिक 9 मई को नौशेरा में पाकिस्तान के खिलाफ इस डायरेक्ट एक्शन के बाद 20 और 21 मई को भी सेना ने नौगाम में चलाया ऐसा ही अभियान। नौगाम में भी पाकिस्तानी साजिश के कई अड्डों को इसी तरह बर्बाद किया गया, जिनकी तस्वीरें जल्द ही सामने आ सकती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहद खास मेहमान कर्नल वीएन थापर साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसके मूर्ति साहब हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ेंगी। कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अनिल कौल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। भारतीय सेना ने जो ये आक्रामक अंदाज अपनाया है, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या हम फिर वही
मौन में चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक संदेश साफ दिए गए थे आर्मी को कि आपको क्लियर हैंड है, और खास तौर पर जब कृष्णा घाटी में हमारे जवानों के साथ इस तरह का बर्बर व्यवहार पाकिस्तान ने किया था, किस तरह से देखते हैं आप हिंदुस्तान के इस एक्शन को? देखिए, मेरा तो इसकी तुलना होगा एक बॉक्सिंग मैच की तरफ जी। हम अभी तक अंडर दी वेट पंच कर रहे थे। अंडर दी वेट मतलब हम थोड़ा सा संयम दिखा रहे थे कि हमारे में एक्चुअली दम तो बहुत है, लेकिन हम थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा कर रहे थे ताकि शायद वो मान जाए। और आज जो ये आप दिखाया है और जो ये हुआ है 9 तारीख को, उससे ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि हम अब अपने वेट में पंचिंग करेंगे और अपना वेट जो है वो अलग हमारे प्रतिद्वंदी से कहीं ज़्यादा है। और उसको अब समझ जाना चाहिए कि उसकी ये जो नाकाम कोशिशें हैं कि टेररिस्ट अंदर भेज दिए, गोला चला दिया, ये कर दिया, तो उसका जवाब इतना तगड़ा मिलेगा कि अपर राइट कट या स्ट्रेट राइट मुंह के ऊपर लगे, दांत वांत सब बाहर आ जाएंगे। तो ये मेरा मानना है जी कि इस वक्त हमने जो किया है वो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई साहब अब आगे से हम यही करेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर जो मेरे को, मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ये हुआ है इस टाइम पे जबकि हम दूसरा एक मुद्दा और लड़ रहे हैं इनके साथ, वो है कुलभूषण जाधव का, वहाँ पे भी इनने मार खाई है और ये एक खिसियानी बिल्ली की तरह हो गए हैं। पहले तो इन्होंने सारा क्या कहते हैं डिनाई किया है, और अब मेरे हिसाब से हमको चेतावनी इसलिए लेनी चाहिए कि ये फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा या शायद बड़ा भी हमारे इलाके में करेंगे, शायद फायरिंग करें या कोई अटैक करें, या हमारे तो हमारी जितनी भी LOC है और वर्किंग बाउंड्री है और पूरा इलाका है उस पर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि हमारे को और नुकसान ना हो। शाहनवाज हुसैन साहब, एक तो कौल साहब की बात पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा क्या अब हम माने कि हमने वाकई धर दबोचा है? देखिए, कौल साहब की बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं, पूरा देश उनसे सहमत है। आज सेना ने मान बढ़ाया है, जो मन में बात थी पूरी की है। मैंने पहले भी एक डिबेट में आपको कहा था कि हमारे सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास और हमारी सेना के पास पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है, उसके हर मर्ज का इलाज है। आज प्रधानमंत्री का ही सीना 56 इंच का नहीं, मुझे भी लगता है कि एक भारतीय होने के नाते मेरा सीना भी 56 इंच का हुआ है, इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हुआ है। पाकिस्तान जो नापाक हरकत बॉर्डर पर करता रहता है और उसके घटना कर कर के उसका जवाब जिस कौल साहब ने जैसा कहा उसी तरह से पंच उसको मारा गया है, अब सीधा हेड पर पंच है। पाकिस्तान के लिए हमारी सेना सक्षम है, छूट है, उसको जवाब देगी। पूरे देश के लोगों को आज सेना पर गर्व है। आफताब मुगेरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, अब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आफताब साहब, ये वीडियो फुल फ्रेम दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो दिखाइए। ये वीडियो नौशेरा का है, पाकिस्तानी पोस्ट पर एक एक करके हमने नेस्तनाबूद कर दिया इस पूरे इलाके को। पाकिस्तान की आर्मी इस वीडियो के सामने आने के बाद भी क्यों नकार रही है इसे? क्या समझे, क्या वजह समझ में आती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा जो इस वक्त आपके साथ बीजेपी के कोई रहनुमा थे, क्योंकि मैं उनको थोड़ा सुन पाया हूँ। हिंदुस्तान के लोगों का 56 इंच का सीना हो गया। मैं आज उनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का 56 इंच का सीना हो गया तो यकीन नहीं, पाकिस्तान में लोग जो है उनका जो है उससे दुगना सीना जो है बढ़ चुका है। जब जंग की, अरे इंच टेप लेके तो हम सीना नापने नहीं बैठे हैं साहब, हमने धुआं धुआं कर दिया है नौशेरा टेप को। एक सेकेंड, टेप को वापस लपेट के पॉकेट में रख लीजिए, टेप को वापस लपेट के पॉकेट में रख लीजिए और फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। हम यहाँ पर आपसे ये नहीं सुनने आए हैं कि किसका सीना कितना है सर, क्योंकि मैं ये मानती हूँ आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और फैक्ट्स पे बात होगी।
मैं क्या मानती हूँ कि आप पत्रकार हैं, फैक्ट्स पे बात होगी सर। वीडियो देखिए, जवाब देना है आपको, वीडियो देखिए। हिंदुस्तान के लोगों का चप्पल नीचे, हिंदुस्तान के तमाम लोगों का ये ख्वाहिश नहीं होगी, उनकी ये उमंग नहीं होगी कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। मैं भी ये समझता हूँ पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ बराबरी के ताल्लुकात पर एक पत्रकार के रूप में कम से कम आतंक आपकी चिंता है या नहीं है? आफताब साहब, आप लगातार बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। अरे मोदी जी से आपको तकलीफ है, हम समझ गए। आगे बढ़िए, एक सेकंड आफताब साहब, नहीं एक सेकंड, मुझे आवाज थोड़ी नीचे करनी होगी, आवाज नीचे करनी। आफताब साहब प्लीज सर, फैक्ट्स पे बात कीजिए। और इसीलिए हमने एक पत्रकार को शामिल किया है क्योंकि वो सही पर्सपेक्टिव में बात करेगा। मोदी जी से आपको तकलीफ है, मोदी जी पे हम बहस करने नहीं बैठे हैं। सवाल ये है कि इसी आतंक की मार पाकिस्तान भी झेलता है और इन्हीं पोस्ट के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान में पहुंचाया जाता है। आज हमने पोस्ट को उड़ाया है, आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आतंक से लड़ाई लड़नी है तो हिंदुस्तानी आर्मी ने बड़ा अच्छा किया है। नहीं, वो तो एलओसी के वायलेशन जो है हिंदुस्तान वाजे तौर पर दुनिया को बता चुके हैं हम कि एलओसी की वायलेशन आप करते रहते हैं। आए दिन जो है हमारी जो है बॉर्डर लाइन पर फायरिंग होती है, हमारे फौजी जवान भी शहीद होते हैं। चले ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, मैं फौजियों की बात नहीं करता हूँ, मैं एक कलम नवीज हूँ और मैं उसकी बात आम जनता की करता हूँ, तो मेरे आम शहरी भी मरते हैं, हमारे जानवर भी मरते हैं। ये पाकिस्तानी है जो सेना को और आतंकियों को सजा है, वायलेशन नहीं है, ये जवाब है, करारा जवाब है आपको। मुझे लगता है मूर्ति साहब आपको उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम इसे वायलेशन क्यों ना कहें, कि आप एलएसी में जो सीज फायर है उसको वायलेट कर रहे हैं। मूर्ति साहब, आफताब साहब से मैं ये सीना तानी के बारे में बात सलाह दूंगा कि ये सीना तानी के बारे में बात ना करें। आप ये देखें कि आपकी आवाम पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपकी पाकिस्तान आर्मी की वजह से आपको तीन बॉर्डरों पे लड़ाई करना पड़ रहा है, हिंदुस्तान तो है ही, इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी आप भिड़ गए हो। आपके तीन नेबर्स हैं, आप किसी से बात ढंग से रह नहीं सकते हो। आपकी इंटरनल सिचुएशन इतनी बुरी है, जितना आपने उग्रवादियों और टेररिस्ट को बना के दूसरे देशों में भेजा है वो सारे आपके खिलाफ ही हो गए हैं। ये तो आपके मुंह पे ही आपका जूता आपके सर पे पड़ रहा है। थापर साहब, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो एटीट्यूड है जी, उसमें चेंज, जो बड़ा भारी चेंज आया है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, मतलब ये क्लियर सिग्नल है कि अब इसके बाद में आपको यही तरीके से डील किया जाएगा। देखिए, कॉल साहब ने बॉक्सिंग के बारे में कहा, उसी की मिसाल आगे ले जाते हुए मैं कहता हूं कि ये जो एक मुक्का है, सिर्फ एक ही मुक्का है, यहां पे खत्म नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई हर जगह पे एलओसी पे जहां भी जरूरत पड़े वो करती रहनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई इस तरह की छेड़ाखानी हो उसका जवाब एक पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ। ताकि पाकिस्तान रिलेट कर सके कि ये जो कार्रवाई हुई है ये इस वजह से हमें एक तरह से सजा मिली। कॉल साहब, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जो हमारे साथ आफताब साहब जुड़े हुए हैं, किसी वजह से उनका कनेक्शन कट गया। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, रागिनी नायक जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। अंजना जी, आफताब जी से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, जरूर बोलिएगा। अभी उनका कनेक्शन कट गया है, लेकिन आप उनसे भी बोलिए। और शाहनवाज जी की बात पर आप मुस्कुरा रही थी, मैंने आपकी मुस्कुराहट देखी थी। अंजना जी, मैं तो ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाले नौशेरा पोस्ट को जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी से और जिस जज्बे के साथ भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है, उसे मैं सलाम करती हूँ। और आज भारतीय सेना ने फिर दिखा दिया कि भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में। उसी के साथ अब कनेक्शन फिर कट गया हो, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर पहुंचेगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना को ललकारना बंद कर दे, वरना भारतीय सेना इसी तरह नाको चने उन्हें चबवाती रहेगी। ठीक है, जो यही से वो जुड़ेंगे। बस आफताब साहब, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू, जी हाँ, इसी तरह से इसे देखा जा रहा है क्योंकि नौशेरा सेक्टर में भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करके उन्हें नस्तनाबूद किया है। माना यह जा रहा है कि इन्हीं के जरिए घुसपैठिए इन्हीं पोस्ट के जरिए भारत में आते थे। बर्फ पिघलने के बाद का ये वक्त होता है, मई के महीने में बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे आते हैं आतंकी
साजिश रचते हुए हिंदुस्तान में आतंक का तांडव करने के लिए, उन सब पर लगाम कसने के लिए एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन बहुत सारे मेहमान हैं। एक बार फिर उस वीडियो से शुरुआत जो दरअसल आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में नौशेरा सेक्टर के पाक पोस्ट पर हमला करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें पूरे पोस्ट को तबाह किया गया है। दरअसल ऐसे ही पोस्ट के सहारे पाक सेना आतंकियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंक का खेल खेलती है। भारतीय आर्मी को यह साफ संदेश भारत सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए, और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि कृष्णा घाटी में जो प्रेम सागर परमजीत सिंह हमारे दो शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की गई थी, उसका बदला हिंदुस्तान ने लिया है। रॉकेट लॉन्चर ये वो हथियार है जिनसे ये तबाही की गई है। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल जिनके जरिए ये हमला किया गया है। 30 सेकंड का वीडियो है, 30 सेकंड में पूरा का पूरा पोस्ट तबाह। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद पाक के बंकर पर हमला किया गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आफताब जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। वीडियो का सबूत हमने सामने रख दिया है, अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार होगा? आप कौन सा सबक कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस समय पाकिस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कौन से सबक की बात कर रहे हैं। पाक पोस्ट से, अब ठीक है सर, सबक बता देते हैं, जल्दी समझता भी नहीं है पाकिस्तान, ये मजबूरी हम समझते हैं आपकी। पाक आर्मी जो पाक पोस्ट के जरिए, सर सर मेरी बात सुने, चूंकि आपने पूछा तो हम समझा रहे हैं। पाक पोस्ट में जो आर्मी वहां की आतंकियों की घुसपैठ कराती है, जो आतंकियों की घुसपैठ आपकी सेना कराती है, उसका सबक है ये। मोदी की गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, आपके साथ यही परेशान है। पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि हिंदुस्तान जो है मीडियावाद सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, मगर हमने तो आपने 30 सेकंड की वीडियो दिखाई, हमने अपने टीवी चैनल पे घंटों की वीडियो दिखाई है आपकी सेना की, तो वो कहां जाएगी फिर? तो खुदारा उसको भी तो देखें। और आप आज तक घंटों की वीडियो, मीडिया ग्रुप है आप लोग, ये भी दिखाएं। मुझे लगा था कि आपसे पत्रकार रहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, आप आईना देखने का समय आ गया है। मुझे लगा था आप एक पत्रकार हैं, आप सेंसिबल बात करेंगे। अंजना जी, मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, मैं आफताब जी से कुछ और भी कहना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, कॉल साहब उनको जवाब देना चाह रहे हैं। कॉल साहब वो कह रहे हैं कि इससे भी बड़े बड़े हमने हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ काम किया। कॉल साहब, कॉल साहब क्या आप सुन रहे हैं? कॉल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, शाहनवाज जी, अंजना जी मैं कुछ कहना चाहती हूं। अंजना जी इसके बाद मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जी मैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जब 1971 में जब इनके लोग 1,00,000 के करीब फौजी घुटने टेक रहे थे, तब भी इनके रेडियो से कहा जा रहा था कि इंशाल्लाह शाम की चाय जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ी और लाल किला पर पियेंगे। ये इस तरह का देश है, जब तक ये पिट नहीं जाता। अब तो वीडियो भी दिखा दिया, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये सही है हमारे मुल्क के ही कुछ लोगों ने उस पर सवाल खड़ा करके इनको मौका दे दिया था। अब हम इनको मौका नहीं देना चाहते, इनको वीडियो दिखा दिया तब भी यकीन नहीं है, ये मार भी खाते हैं लेकिन इनको आंसू बहाने का हक भारत ने छीन लिया है। भारत के सेना के सामने पाकिस्तान की कोई औकात और हैसियत नहीं है, ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए बराबरी बताते हैं। जिस जितना बड़ा भारत देश है उतनी ताकत से आपके ऊपर हमला होगा। पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे, हमारे सेना के लोगों के साथ बर्बरता करेंगे, इसी तरह का जवाब मिलेगा। अब समझिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी छूट है हमारे सेना को जवाब देने के लिए, और जवाब देंगे हम, पूरा जवाब मिलेगा आपको। रागिनी नायक जी, और इससे भी बड़ा जवाब मिलने वाला है, इंतजार कीजिएगा। अंजना जी, जिस पाकिस्तान मिल गया जी, मिल
जिस पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के पार्थिव शरीर को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया हो, उससे तो आज ये अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए कि वो ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ स्वीकारने की स्थिति में होगा। पाकिस्तान डिनायल मोड में ही रहा है और पाकिस्तान को डिनायल मोड में रहने दीजिए। ये बार बार शिकस्त खाएंगे, ये बार बार मुंह की खाएंगे। और चूंकि शहनवाज जी ने 1971 की बात की, तो मैं ये भी जोड़ दूं कि मोदी जी का सीना चाहे कितना भी चौड़ा हो, इंदिरा जी की हथेली उससे ज्यादा चौड़ी थी, जिससे पड़ी हुई थप्पड़ की 1971 में जो थप्पड़ पड़ा उसकी छाप आज भी पाकिस्तान के चेहरे पर है और वो छाप इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। मैं एक बात शहनवाज जी को और कह दूं, तो पाकिस्तान आज मान लेता। शहनवाज जी बीच में मत बोलिए, कमजोरी है। बीच में मत बोलिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे पूरा उठा दी थी। अंजना जी सेकंड आप दीजिए, पहली सर्जिकल स्ट्राइक पहली सर्जिकल स्ट्राइक मुझे बात खत्म करने, उंगली उठाई थी कांग्रेसियों ने। अंजना जी पूछिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। पहली सर्जिकल स्ट्राइक पर अब मैं शहनवाज जी आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलती हूं। क्यों सवाल उठाया राहुल गांधी ने? बीजेपी मत बनाइए। कौल साहब क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कौल साहब जी आप मुझे ये बताइए, प्लीज प्लीज एक सेकंड कौल साहब नहीं प्लीज, नहीं आप दोनों की आवाज नीचे करें, दोनों की आवाज नीचे करें। इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी प्लीज ना बनाए। आज पाकिस्तान से भी एक पत्रकार हमारे साथ है, बातचीत हो रही है। तो सवाल यह है कि भारतीय सेना के साथ आज पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाकर प्लीज इसको गुमराह मत कीजिए। कौल साहब, पाकिस्तान की सेना ने इसको नकार दिया है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो लिख रहे हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है। आफताब साहब हमारे साथ पत्रकार है, वो भी ये कह रहे हैं मानने को इनकार। इस डिनायल पर आपका क्या जवाब होगा कौल साहब? देखिए साहब, संजना ये जो इनकी डिनायल की पॉलिसी है जी, ये तो कोई नई है नहीं। आपने कितनी मर्तबा इनको कितने डोसियर दे दिए, कितनी एविडेंस दे दी है, हर तरफ से इनको बता दिया है। ये हर और डिनायल में ही चलते रहते हैं। वो जो कुलभूषण यादव का उनने स्टेटमेंट इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दिया पार्लियामेंट में, इनके सेनेट में, कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। प्रॉब्लम इनका यह है कि ये पाकिस्तान एक आर्मी का स्टेट है। उस यहाँ पे जैसे स्टेट की आर्मी है, वहां पे आर्मी का स्टेट है पाकिस्तान। और अगर इनका ये जो डिनायल वाला जो बात है, अगर ये ना करें तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। उनका सारा दारोमदार एंटी इंडिया है। अब मैं सुन रहा था किसी और चैनल पे कि इन्होंने कहा है कि ये जो आप दिखा रहे हैं वीडियो, ये आपने खुद अपना एक मॉक विलेज बनाया है और मॉक पोस्ट बनाया, उसी पे आपने खुद ही गोला बारूद चलाया है और दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है, इससे दो खास मकसद पूरे हुए हैं। एक तो इनका ये डिनायल वाली कहानी है वो खत्म हो गई है कि ये हुआ है, और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दीजिए कि कहाँ पे है ये, बना बनाया कि एक्चुअली ग्राउंड पे है, नंबर एक। नंबर दो, जो कि बहुत जरूरी है, अब बैठे हैं पाकिस्तान के पत्रकार तो आई कांट हेल्प इट, बट जो हमारी इंडिजिनस क्वेश्चनिंग ऑडियंस है उनके लिए भी एक लेसन है कि भाई ये हुआ है, सो लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन टॉकिंग अमंगस्ट अससेल्फ। आई थिंक इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। इससे ज्यादा मैं कुछ इस वक्त बोलूंगा नहीं, क्योंकि चलिए उसको मूर्ति साहब जो ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट साहब ने जो बोला था। हाँ जी सर पूरी करें भाई। इनके पाकिस्तान में अभी इतना डाउट है कि यह हादसा हुआ या नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला कि नहीं, तो और कोई ऑपरेशन करके दिखा देते हैं। ये जो है ना, ये शुरुआत है, आप ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत है और अभी ये जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको हर तीसरे दिन अवसर मिलेगा डिनाई करने के लिए। आफताब साहब जी फोन पे हैं या? जी मैं हूँ आपके साथ, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सबकी प्रतिक्रिया सुन ली होगी। देखिए सवाल ये नहीं है कि ये डिनायल कोई नई प्रतिक्रिया है नहीं सर, आपकी डिनायल प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन आप भी एक पत्रकार के रूप में समझते होंगे कि देशों के पास सेना होती है। यहाँ पर सेना के पास एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है।
परेशानी वहां की जनता के लिए भी है क्योंकि यही सेना एंटी इंडिया फीलिंग जिंदा रख के वहां पर सर्वाइव करती है, तो आतंकवाद को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है आपके देश के लिए। मैं एक इस बात को क्लियर कर दूं, आप कह रहे हैं कि देश के पास सेना के पास देश है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं स्टूडियो के इस वक्त आपसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं बराह रास्त मौजूद हूं, तो यहां पर मीडिया पर पार्लियामेंट पर जमहूरियत में कोई रोक टोक नहीं। एक इस बात को क्लियर कर दें, कोई यहां पर सेना का इस वक्त हुकूमत नहीं है, यहां तक जमहूरियत जमहूरी हुकूमत है जिसके प्राइम मिनिस्टर चलती किसकी है ये भी बताइए। प्राइम मिनिस्टर की चलती है, क्यों नहीं चलती, पार्लियामेंट मौजूद है, फैसले करते हैं, चलती किसकी है? जनरल राहिल शरीफ, उसके बाद आज जो है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यकीन नहीं वो पाकिस्तान के एक सिपा सरदार है, फौज के सरबराह है, मगर प्राइम मिनिस्टर की चलती है, पार्लियामेंट की चलती है, बैंक के पत्र का अगर नहीं चलता। रागिनी जी, रागिनी जी हाथ उठा रही है, रागिनी जी मुशरफ के सामने हम ही पाकिस्तानी पत्रकार खड़े हो गए थे, अगर इस हकीकत को आप जाने तो हम खड़े हो गए थे जनाब मुशरफ के सामने। रागिनी जी जल्दी से देखिए, पाकिस्तान के पत्रकार से जब इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो मैं समझती हूँ कि हर सुनने वाला इस पर केवल हंस सकता है और कुछ नहीं कर सकता कि कितनी मुगालफत में जी रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद से इनके ही बच्चे झुलसे थे, तब भारत खून के आंसू रोया था, लेकिन इन्होंने सबक नहीं सीखा। और मैं शाहनवाज जी से जरूर ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय सेना तो सीमा की और भारत के सम्मान की सुरक्षा कर रही है, लेकिन केवल सेना के पराक्रम का श्रेय लेने के बजाय विदेश नीति और अपने कूटनीतिक कौशल से भी पाकिस्तान के पांव खदेड़ने का काम करें, क्योंकि 2015 सैनिक शहीद हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, रागिनी जी की बात का जवाब देखिए। अंजना जी, जब मैंने 71 का जिक्र किया तब मैंने ये देश को ध्यान में रखकर जिक्र किया, न कि सरकार को ध्यान में रख के। सवाल यह है कि अगर पिछले सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल न उठाया होता तो पाकिस्तान को भी मौका नहीं मिला होता। जब अच्छा देश का सवाल हो, पाकिस्तानी कोई पैनल पर बैठा हो तो कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। सर्जिकल ऑपरेशन हो चुका था, पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था। हाँ, मैं अभी भी नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको माफी मांगनी चाहिए कि इनके नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक वन पर सवाल उठाकर भारत के नाम को नीचा किया था। ये दुख की बात है कि अभी तक उसकी सजा चुनाव में मिली होगी, लेकिन डिबेट में इस तरह से ये बातें करना ये बहुत दुख की बात है। इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए, मैच्योर डिबेट करनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जवाब वहाँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में बैठकर जब नेता आपस में भिड़ते हैं तो 30 सेकंड में सिर्फ एक दूसरे पर बातों की गोली दागते हैं, जिससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश की सुरक्षा होती है उन जवानों से जो 30 सेकंड में 10 जबरदस्त हमलों के साथ एक पूरे पाक पोस्ट को ध्वस्त करके आतंकियों को भेजने की उनकी साजिश को नाकाम करते हैं। इसीलिए देश एक साथ उनके सामने नतमस्तक होता है। देखते रहिए आज तक।